नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर थराली से है, जहां चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्विवार्षिक अधिवेशन में देवेंद्र सिंह बटोला निर्विरोध अध्यक्ष पद चुने गए हैं। राइंका के सभागार में आयोजित एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्विवार्षिक अधिवेशन में पूर्व पदाधिकारियों ने पिछले समय की कार्यवाही का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसमें सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। तीसरे और अंतिम सत्र में मुख्य चुनाव अधिकारी के एस पवार और सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर अपर्णा सती प्रधानाचार्य बी एस नेगी को देखरेख में ये कार्यकारिणी के लिए चुनाव सम्पन्न कराए गए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर देवेंद्र सिंह बटोला, उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती शशिकला, सचिव पद पर सौरभ मनीषा, कोषाध्यक्ष पद पर रणबीर सिंह को सम्मानित किया गया है। संगठन के लिए सबसे पहले जो मांग आजकल हमारी लड़ रही है, सबसे पहले पेंशन। 2005 से के हमारे ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनको अभी पेंशन भोगी नहीं है। सबसे पहले भाई सीताराम पोखरियाल जी, जो हमारे मंडली सचिव हैं इसमें, इनके नेतृत्व में हम सब एक करेंगे। और जो ये नव युवक हैं हमारे 2005 के बाद के, इनके लिए सबसे पहले पेंशन योजना के लिए लड़ना है। मिनिस्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन इकाई शाखा नारायणगढ़ के द्विवार्षिक जो ये अधिवेशन हुआ, उसमें मुझे संरक्षक के रूप में चुना गया। जो भी ये कार्यकारिणी होगी, ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी होगी, अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, जो भी होंगे, इनके सहयोग से जो मेरा सहयोग रहेगा पूरी टीम वर्क के लिए, उसमें मैं पूरे तन मन धन से दायित्व से कार्य करूँगा। धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने सभी साथियों का, जिन्होंने मुझे सचिव पद के लिए नियुक्त किया है, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद इस रूप में दिया है, और मेरा ये पूर्ण सहयोग रहेगा कि मैं सभी साथियों को लेके आगे बढ़ूं और पूरे संगठन की ओर से आगे बढ़ूं। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड विकासखंड नारायणगढ़ का द्विवार्षिक अधिवेशन यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष महिला, सचिव, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष पदों पर चुनाव होने थे। सारे पदों पर निर्विरोध चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और सभी जो यहाँ पर सदस्यगण उपस्थित थे, सभी ने ध्वनिमत से अपने पदाधिकारियों का यहाँ पर निर्वाचन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री बृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिले के विकास हेतु कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और इस प्रकार के मेले से आज शुरुआत की है, हम पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। खबर रुड़की से है, जहां विकास प्राधिकरण रुड़की की अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अवैध व्यवसायी ढाबे को विकास प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है, जिसके चलते ढाबा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार दिनेशपुर पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र के तमाम ज्वेलर्स और सरकारी संस्थानों पर छापेमारी करते हुए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की हिदायत दी गई है। इस दौरान थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को देखते हुए ज्वेलर्स और कई संस्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए प्रेरित किया गया है। साथ ही संस्थानों के लोगों को हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इस आदेश का पालन करें, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
त्योहारी सीजन चल रहा है और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जितने भी हमारे ज्वेलर्स शॉप हैं और बैंक हैं इनकी सघन चेकिंग के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। उन्हीं कप्तान साहब के निर्देशन पे ही आज हमारे द्वारा जितने भी हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में बैंक हैं और ज्वेलरी शॉप हैं इन पे हमारे द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है कि कितने के वहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं, कितने के वहाँ अलार्म सिस्टम नहीं लगा हुआ है। खबर लक्सर से है, जहां रामपुर रायघाटी में आज एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक महिला का एक 1.5 साल का बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला 6 महीने की गर्भवती भी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर रायघाटी गाँव में एक काजल वाइफ ऑफ रविंदर की मृत्यु हो गई है। जब सूचना मिली तो गए तो उसके गले पर जो है निशान था, जिस पर उसकी शादी दो साल पहले शादी हुई थी। उसका 1.5 साल का बच्चा सुना कि वो प्रेगनेंट हुई थी। इस संबंध में जब पंचायत में कार्रवाई की गई और तहसीलदार को बुलाया गया और पंचायत ने कार्रवाई की गई और पंचायत कार्रवाई की वजह उसका पोस्टमार्टम भेज जा रहा है। और जैसे ही FIR आएगी या कोई जो भी प्राथमिकता आता है उस हिसाब से उसमें अभियोग दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। पता नहीं, हमें तो रात के 1 बजे के समथिंग कॉल आया कि उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है और हम उसे भिक्कमपुर लेकर जा रहे हैं, आप आ जाओ। जैसे ही हम थोड़ा घर से निकले उन्होंने बोला कि भिक्कमपुर मना करके सुल्तानपुर आ जाओ। फिर हम थोड़ा आगे चले, उन्होंने सुल्तानपुर के बजाय लक्सर को बोल दिया, तब हम पचेवली थे। अब जैसे ही लक्सर पप्पू के हॉस्पिटल में बोल रहा था उन्होंने, हम वहाँ तो पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हाँ एक महिला आई थी और वो तो मर चुकी है। अगली खबर लुड़की से है, जहां आस्था की नगरी पीरान कलियर आने वाले जायरीनों के लिए हमेशा अकीदत का केंद्र रहा है। वहीं दरगाह परिसर में खड़ा गुलर का पेड़ खास अहमियत रखता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबिर पाक ने गुलर के पेड़ के नीचे खड़े होकर के परसों खुदा की इबादत की थी। भोजन के नाम पर हजरत साहेब गुलर ही खाते थे। बता दें कि दरगाह परिसर में जो गुलर स्थित है उस पर संगमरमर का पत्थर लगा है, जिस पर हर वक्त चिराग जले रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो गुलर है ये आप देख रहे होंगे, ये वो ऐसा तबरुक ऐसा प्रसाद है जिसको लेने के लिए लोग यहाँ पर काफ़ी दूर से आते हैं। ये गुलर का प्रसाद इसलिए कीमती माना जाता है, जैसे हुजूर सरकार साबिर पाक जब आप कलेशी में सरजमीन पर आए और आपने इबादत की, यहाँ पर आपका चिल्ला मुबारक बना हुआ है, उसी की पेड़ का ये गुलर है। आपने इस पेड़ को पकड़ के उसकी तपस्या की है तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें ऐसी तासीर रखी है कि जब इसको कोई खाता है जिसके यहाँ औलाद नहीं होती, वो इस तबरुक को खाता है तो उसके यहाँ संतान हो जाती है, औलाद हो जाती है। हुजूर सरकार साबिर पाक की दुआओं का सदका है। जी मेरा नाम गौरव है, मैं हरियाणा कैथल ज़िले से आया हूँ। जी मैं पिछले लगभग 10 सालों से जो है वो सरकार से जुड़ा हूँ और अपने देश के अंदर अमन चैन भाईचारा जो है वो सलामत रहे, मैं एक हिंदू परिवार से जो है वो संबंध रखता हूँ, लेकिन इस आस्थाने के साथ जो है मेरी मोहब्बत जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आके मैंने पाया है कि यहाँ पर सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाईचारे के साथ रहते हैं। खबर चमोली से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा की छतों और दीवारों से बरसात में कमरों में पानी भर जाता है। बरसात के समय में छात्र छात्राओं को काफी समस्या होती है। चंपावत की दुखद घटना के बाद भले ही सरकार के शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूलों को डाटा इकट्ठा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विभाग डाटा इकट्ठा कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। निकिता विश्वा, मैं कक्षा 12 से राजकीय इंटर कॉलेज कंठा से हूँ।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे हमारा फिजिक्स का लैब है, वो ऊपर पानी से पूरी छत टपक रही है जिससे हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमको पूरे मतलब टेबल वगैरह अपने अलग अलग करने पड़ते हैं, मतलब दूर दूर बैठना पड़ता है, पूरा नीचे पानी से भरा रहता है, आके पहले पूरा साफ़ करना पड़ता है, आधा पीरियड उसी में चले जाता है और हमारा पढ़ाई का लॉस होता है। वैसे हमारा नीचे फिजिक्स का लैब बायोलॉजी का लैब है, उसमें भी वही दिक्कत है, ऊपर से बहुत सारा पानी टपकता है और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमें पूरे अपने जो सर के यहाँ पे कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह वो सारे गीले रहते हैं, हमें वो पूरे चेंज करने पड़ते हैं और कई बार तो हमें यहाँ पे बिजली की भी सुविधा नहीं है। खबर कालाढूंगी से है, जहां प्रदेश में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ में लापरवाही की जा रही है। दरअसल कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हुए न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ में बच्चों को पीने के पानी के लिए भटकते देखा गया। यहां तक कि जो शिक्षक खेल व्यवस्था में लगे थे उनको भी पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से खेल महाकुंभ आयोजित किया जाता है, जिसमें राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्या ने सख्त निर्देश दिए थे कि खेल महाकुंभ के खेल मैदानों में पानी, शौचालय, चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। कहाँ से लाए गुरुजी पानी? ये तो घर से लेके आए हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? नहीं, हमें तो खेल में दिखाई दे रही है, बच्चे भी ऐसे खेल मैदान की, खेल मैदान में कुछ नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बच्चे दौड़ के बाद या खेल के बाद ग्लूकोज दिया जाता है? ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे हमारे पास आ जा रहे तो हम उनको बूढ़ा ये थोड़ा सा एक चने है इससे ही गुजारा करा रहे बच्चे, अगर कोई आ जा रहा है सर भूख लगे। और ग्राउंड में पत्थर ही पत्थर हो रहते हैं यहाँ, और मैदान में पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी पानी नहीं आता जब पीने जाते हैं। तो मेरा नाम उमा जोशी और मैं स्कूल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से आई हूँ। मैं यहाँ कालाढूंगी जिला नैनीताल में महाकुंभ में आई थी और मैं राजकीय इंटर कॉलेज के महाकुंभ में नया खाने की व्यवस्था है, नया पानी की व्यवस्था है। मुनिकेरेती स्थित मधुबन आश्रम में एक बार फिर आश्रम पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आज दोपहर मंदिर में आरती के समय 10 से 15 लोग अचानक घुस गए। आश्रम के स्वामी परमानंद दास प्रभु ने बताया कि सभी लोग मंदिर, रेस्टोरेंट, परिसर और भवन में बैठ गए। समझाने पर वो लोग भड़क गए और बहस करने लगे, जिसके बाद मजबूरी में मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। करीब 3 घंटे तक चली बहस के बाद पुलिस के हस्तक्षेप पर कब्जा करने आए लोग आश्रम से बाहर निकले। सुरक्षा की दृष्टि से स्वामी परमानंद दास प्रभु ने मामले में कुछ लोगों के नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नगनियाल और एसएसपी यशवंत सिंह चौहान के निर्देश के बाद लक्ष्मण झूला थाना पुलिस अपने क्षेत्र के रिसोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करने के प्रति एक्शन में आ गई है। थाना पुलिस ने एक ही दिन में 8 रिसोर्ट पर छापेमारी की है। इस दौरान किसी भी रिसोर्ट के कर्मचारियों का सत्यापन नहीं मिला है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका चालान काटा, वहीं 10,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। साथ ही शीघ्र पुलिस सत्यापन नहीं कराए जाने पर रिसोर्ट संचालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पूरे रेंज में हमारे जितने भी जनपद है, 7 के 7 जनपद को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जितने भी रिजॉर्ट इत्यादि है, एक तो वो लीगल जगह में है या इलीगल जगह में है, गैर और किसी तरह का ऐसे अनैतिक या गैरकानूनी गतिविधि होती है तो उसके संबंध में या उनकी आम शोहरत कैसी है, क्या है, इस संबंध में जाँच करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। यहाँ आपका जो क्षेत्र लक्ष्मण झूला देख रहे हैं आप, इनको भी इसी तरह से निर्देश निर्गत कर दिए गए थे कि उत्तराखंड की धामी सरकार स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर सहमत हो गई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री धामी को
इसके लिए अधिकृत करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सही से पैरवी नहीं की, जिससे हाईकोर्ट ने स्थानीय महिलाओं को मिल रहे आरक्षण पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के आरक्षण में ठोस पैरवी करें। देखिए, महिलाओं को आरक्षण नौकरियों में आरक्षण देने में सरकार असफल रही है। सरकार की पैरवी गलत रही है हाईकोर्ट में। सरकार को चाहिए ये था कि उनके वकील ढंग से पैरवी करते। आप 30% आधी आबादी को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, आधी आबादी का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सम्मान करने के बजाय असम्मान करने का काम उनका किया, उनको अपमानित करने का काम आपने किया। आपके वकील, आपके जो अधिवक्ता हैं, वो माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने में विफल रहे हैं। देहरादून और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्री अब कम खर्च में ज्यादा सुविधाओं के साथ सफर कर सकेंगे। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने देहरादून दिल्ली रूट पर चलने वाली 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें उत्तराखंड परिवहन निगम और प्राइवेट कंपनी स्काई लाइन के संयुक्त प्रयास से संचालित की जाएंगी। इसके साथ ही परिवहन निगम 610 नई बसों को अगले साल तक अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। फिलहाल रोडवेज के बेड़े में इस वक्त 912 बसें शामिल हैं। फ्लैग ऑफ के दौरान परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में से पर्यावरण संरक्षण में सुधार होगा, साथ ही कम बजट में लोग बेहतर सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। सर दीक्षित जी ने कहा कि हम एयरपोर्ट पर 2 घंटे पहले जाते हैं और 2 घंटा हमको दिल्ली में लगता है, मगर आज की तारीख में हम 3.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जो ये तो आज जिसकी शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बस की, मैं समझता हूँ ये सुरक्षित है। इसके अंदर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सारे इक्विपमेंट लगे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां दिन दहाड़े डोईवाला के प्रसिद्ध व्यापारी के घर में घुसकर के 6 चोरों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। अब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं है। वो दिन दहाड़े उजाले में डकैती को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह 11 बजे के करीब 6 हथियारों से लैस लोग घराट गली में स्थित व्यापारी शीशपाल अग्रवाल के घर में घुसे और चाकू पिस्टल की नोक पर डकैती को अंजाम दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी है। खबर चमोली के थराली विधानसभा के परखाल चिड़िंगा तल्ला सिलोड़ी मोटर मार्ग का है, जहां मोटर मार्ग पिछले दिनों भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है, जिस कारण यहां के लोगों को ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय और बाजार आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तब हो रही है जब कोई बीमार हो रहा है या किसी प्रसूता को अस्पताल लाना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले दिनों से संबंधित विभाग NPC से लगातार सड़क को यातायात के लिए बहाल करने का आग्रह कर रही है, लेकिन उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। खबर पौड़ी से है, जहां शहर से सटे प्रेमनगर मोहल्ले में मादा गुलदार ने अपने शावकों के साथ दिखाई देने पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय निवासियों द्वारा दी गई सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां विभाग की टीम द्वारा सर्च अभियान चलाते हुए गश्त लगाई गई। मौके पर पहुंचे वन दरोगा और अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की टीम के साथ वो हॉस्पिटल मोहल्ले की ओर गश्त कर रहे थे। इतने में उन्हें प्रेमनगर में गुलदार के शावकों के साथ दिखाई देने की सूचना मिली। इसको लेकर के वे टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां विभाग की टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन दरोगा ने बताया कि क्षेत्र में पहले से ही गुलदार की दहशत को देखते हुए इसी स्थान से
कुछ ही दूरी पर पिंजरा लगाया गया है। गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। यदि गुलदार की गतिविधि इस तरह ज्यादा दिखाई देती है तो पिंजरे का स्थान परिवर्तित किया जाएगा। हमारे हम हॉस्पिटल में टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट के दौरान हमें फोन आया कि प्रेम नगर में 3 शावक एक गुलदार दिखाई दे रहा है। तत्काल हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद हमने अपने जो टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे, देख रहे हैं गतिविधि, देख रहे हैं गुलदार क्या है क्या है। थोड़ी देर पहले जो है मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि जैसे मैं रास्ते पे आया यहाँ पे देखा मैंने कि 2 बच्चों के साथ गुलदार जो है कि रोड क्रॉस कर रही थी और एक बच्चा उसका पीछे ही छूट गया था। तो मैंने तुरंत तो वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग की टीम यहाँ पे तुरंत गश्त करने के लिए आ चुकी है और वो सर्चिंग कर रहे हैं यहाँ पे कि गुलदार कहाँ है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पे गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरे की व्यवस्था की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।